काम डाला क्या कब से बस हम तो पूरा मैच से पहले ही आ गए। अच्छा, बड़े अच्छे स्कोर बनाए लाला आपकी टीम ने, लेकिन फिर भी नहीं, मेरे ख्याल में बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की उन्होंने। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमने शुरू के जो 6 ओवर थे उसमें बॉलिंग भी अच्छी नहीं की। पिच ऐसा था कि फास्ट बॉलर्स को यहाँ पे हेल्प या नए बॉल से यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिल सकती थी, लेकिन ऑनेस्टली हमने बॉलिंग भी अच्छी नहीं की, लेकिन उन्होंने बैटिंग बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की। उनके जो दो नहीं बैक टू बैक भी खेल रहे हैं, दूसरे ये कि मेरे ख्याल में अब काफी अरसे बाद, 6-6 महीने बाद, जैसे मैं 6 महीने बाद क्रिकेट खेल रहा हूँ और बहुत सारे लड़के जो काफी अरसे बाद खेल रहे हैं, हो जाता है ज्यादा एफर्ट लगती है तो हो जाता है, क्योंकि मैच इंपॉर्टेंट मैचेस भी चल रहे हैं, हर प्लेयर जान लगाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस भी अच्छी चल रही है। हम चाह रहे थे कि आज का मैच जीते ताकि हम नंबर वन टॉप पे रहे, एंड देन जो सेमीफाइनल हो हमारा चौथी नंबर की टीम के साथ हो, लेकिन ओवरऑल इस पार्ट ऑफ गेम अच्छा है। बड़े मैचेस से पहले एक मैच हार गए। इस मैच में नए लड़के भी थे, कुछ खेल रहे थे नए लड़के थे, बस सुहेल तनवीर को रेस्ट कराया था उसको, क्योंकि उसका नी का थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो कुछ हद इंजरीज हैं। हम चाह रहे हैं कि ज्यादा आगे जो सेमीफाइनल मैच है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, उसके बाद फाइनल होगा इंशाल्लाह, लेकिन अभी मेन फोकस हमारे सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल के हमने कपड़े सिलवा लिए, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े सिलवा लिए, तैयारी यही है चल रही है अभी। ये एक अच्छा एक वेकअप कॉल होती है एक बड़े मैच से पहले कि आप मैच हारे हो, वरना कभी कभार ऐसा होता है कि आप जीत जीत में जा रहे होते हैं तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं लड़के, लेकिन मेरे ख्याल में ये कभी कभार हार भी अच्छी रहती है। तो लाला यहाँ पे जो फैन थे आपके, उन्होंने आपको देखा खेलते हुए बड़े खुश हुए, वहीं पे बेशतर लोग ये कह रहे हैं कि शायद अफरीदी, यूनुस खान सबको देख के हमारी जो मेन टीम है उससे ये वाली टीम अच्छा खेल रही है, तो क्या कहेंगे? नहीं नहीं इस पर पहले भी मुर्तजा से भी इस हवाले से मेरी बात हुई है, कोई मेरे ख्याल में वो ही लड़के सबसे अच्छे प्लेयर है हमारे जो हैं, और हम सबको उनको सपोर्ट करना चाहिए। नो वर्ल्ड कप में इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं रही उनकी, लेकिन हम सब उनको सपोर्ट करेंगे। हमारी जो उम्रें थी, हमारा जो वक्त था गुजर गया, हमने अपनी किट उतार दी है, अब हम उन बच्चों को किटों में देखना चाहते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए देखना चाहते हैं। जी उनके ऊपर डिसीजन छोड़ दिए, अच्छा फैसला है ये। किसने छोड़ी है? मोहसिन नकवी साहब ने, आज की खबर है ये, तो उन्होंने कोचेस पे डिसीजन छोड़ दिए कि आप फैसले लें। देखिए अच्छी बात होती है कि अथॉरिटी दी जाती है सिलेक्शन कमेटी को या कोचेस को, हाँ, ये नहीं कि हर महीने बाद उनसे पूछ रहे हैं, आप उनको टाइम दें, साल बाद उनसे मीटिंग करें, दोबारा पूछें, और ये होना भी यही चाहिए कि कोई किसी के काम के अंदर इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, आप पूरी अथॉरिटी के साथ दें, साल 2 साल बाद सामने बैठे और पूछें उनसे। फिर बहुत सारे वहां पे हमने बॉस्टन में फैंस देखे जो सिर्फ आए थे आपको देखने के लिए, बड़े मायूस हुए थे, ये आप अगले मैच में सेमीफाइनल नहीं, ये लोगों की मोहब्बत है। मैं ऑनेस्टली मेरे खुद के पाओ के इंजरीज इतनी सारी कैरी करके चल रहा हूँ, और सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत में, और जो लोग आ रहे हैं तो बस इनके लिए ग्राउंड में उतरना पड़ रहा है, मैं इस उम्र में भी, लेकिन कोशिश करेंगे कि ये एक्सक्यूज ना हो मेरे पास सेमीफाइनल में दोबारा। मुर्तजा आखिरी सवाल, वर्ल्ड कप के बाद आप इतने सीनियर प्लेयर से हम पूछ सकते हैं कि क्या किसी कैप्टन की तब्दीली होनी चाहिए मेन टीम में? यार मैं एक चीज पे बिलीव है कि जो डिसीजन लेना है वो डिसीजन लें, और उस डिसीजन को, उस सिस्टम को, उस कप्तान को, उस कोच को टाइम दें, चलने दें। जहां तक बाबर का ताल्लुक है, बाबर को मेरे ख्याल में, हमने भी कप्तानियां की, हमारे साथ यूनुस खान ने, मिसबा सब ने कप्तानी की, इतना खुला चांस किसी कप्तान को नहीं मिला, वरना जैसी वर्ल्ड कप खत्म हो जाता है सबसे पहले कप्तान के ऊपर छुरी पीरी जाती है। तो आई मीन कि उसको ने तो 3 वर्ल्ड कप, 2-3 वर्ल्ड कप, 2-3 एशिया कप, T20, काफी जबरदस्त मौका मिला है उसको। मेरे ख्याल में बाबर को अगर रखना है तो आप मेरे ख्याल में काफी अरसा हो गया, बड़े चांसेस दिए हैं, अब जो भी सर्जरी करनी है वो एक ही दफा सर्जरी करे, और जो भी लेके आ रहे उनको पूरा टाइम दे। मुझे तो अभी पता चला कि सर्जरी सिलेक्शन कमेटी हुए कि अब्दुल रजाक और वहाब रियाज को सिर्फ उन्होंने साइड पे किया है, तो ये वाली सर्जरी ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी 6-7 लोग